नमस्कार, मैं हूं ट्विंकल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। आपको बता दें कि मोदी सरकार पिछले 3 साल से 4,646 एससी और ओबीसी स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग दे रही है। आप भी उठा सकते हैं इसका फायदा अगर आप भी एससी और ओबीसी वर्ग से हैं। तो आइए जानते हैं इन कोचिंग सेंटरों के बारे में विस्तार में। साथ ही आपको बता दें कि देश में ऐसे 47 कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। इनमें यूपीएससी, आईआईटी, नीट, जेई, कैट, बैंक पीओ, एमबीए की तैयारी हो रही है ताकि मेधावी छात्र छात्राएं अपना मुकाम हासिल कर सकें। पहले कोचिंग के लिए सिर्फ 20,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब सरकार पूरा खर्च उठा रही है। साथ ही बता दें कि सांसद शोभा क्रांजले के एक सवाल पर बीते संसद सत्र में एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने बताया कि इस योजना के तहत पिछले 3 साल में 4,646 छात्रों को फ्री कोचिंग दी गई है। जबकि विरोधी पार्टियां कभी बीजेपी तो कभी खुद पीएम मोदी पर दलित और पिछड़ा विरोधी होने के आरोप लगाती रहती है, लेकिन इसके उलट सरकार इस वर्ग के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। कटारिया का कहना है कि सरकार कोचिंग फी सीधे कोचिंग सेंटर भेज रही है और स्कॉलरशिप का पैसा संबंधित स्टूडेंट के खाते में। इससे सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार हासिल करने में सहायता मिलेगी। इन बच्चों के लिए आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर और इंजीनियर बनना आसान होगा। अलग अलग क्षेत्रों में जाने की तैयारी अलग अलग कोचिंग संस्थानों में करवाई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सबसे ज्यादा 14 केंद्रों पर आईआईटी जेईई है, 13 में नीट, 12 में बैंकिंग, 11 सेंटरों में संघ लोक सेवा आयोग, 9 में एसएससी, 6 राज्य में लोक सेवा आयोग, जबकि 4 में कैट के लिए कोचिंग दी जा रही है, जिनमें दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये सुविधा उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनकी अभिभावकों की सालाना आय 6 लाख रुपये से कम है। इस स्कीम के तहत लाभ 2 बार से अधिक नहीं लिया जा सकता। कुछ परीक्षा 2 चरणों में होती है, ऐसे में 2 चरणों में 2 बार मुफ्त कोचिंग मिलेगी। साथ ही चयनित स्टूडेंट्स को सभी कोचिंग क्लासेस में आना होगा। अगर कोई बिना किसी उचित वजह के 15 दिन से अधिक समय तक गैर हाजिर रहता है तो फ्री कोचिंग की सुविधा बंद हो जाएगी। और कोचिंग में आने के लिए स्थानीय छात्रों को हर महीने 2500 रुपये जबकि बाहर से आने वाले को 5000 मिलेंगे। ये पैसा कोचिंग इंस्टीट्यूट चेक से देगा। सरकार कोचिंग सेंटर को इसके लिए पैसा भेजती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के और छात्रों की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखनी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।